पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कोतवाली पुलिस ने कांग्रेस पार्षद समेत 29 लोगों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। इसमें 7 लोग नामजद हैं, बाकी अज्ञात हैं। सभी ने बुधवार देर रात कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जुलूस निकाला था। लोकसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू कर दी गई है। बुधवार देर शाम कांग्रेस से राजबब्बर का ऐलान होते ही शहर में कांग्रेसियों में जमकर जश्न का माहौल हो गया। इसी दौरान सिटी कोतवाली क्षेत्र के बुधबाजार से जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जानकारी मिलने के बाद प्रारंभिक जांच की और मामले में रिपोर्ट दर्ज की। जिले के चुनाव आचार संहिता के मामले देखने वाले SP देहात उदय शंकर सिंह ने बताया कि गुरुवार रात इस मामले में 29 लोगों के खिलाफ IPC की धारा 188 के तहत कार्यवाही की गई है। इसमें पार्षद अनुभव मेहलोत्रा, विनोद गुम्बर, आनंद मोहन गुप्ता, नवनीत मल्होत्रा, आजम अंसारी और राजकमल गुप्ता समेत 7 नामजद और 22 अज्ञात लोग शामिल हैं। हाँ, बीट सूचना पर जो कर्मचारी ड्यूटी कर रहे थे उनके द्वारा बीट सूचना अंकित कराई गई थी और सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिपिंग चल रही थी, उसकी विवेचना कराई गई, जांच कराई गई, जिसमें जो है धारा 144 का उल्लंघन होना पाया गया, जिसके संबंध में चालानी रिपोर्ट न्यायालय को। तो सर, आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया? हाँ, आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया। सर, किस पार्टी के कार्यकर्ता थे जिनके खिलाफ मुकदमा? ये कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता थे ये, और वीडियो क्लिपिंग के देखने के अनुसार ये उसमें साबित हो रहा था, इसमें कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद और राजबब्बर जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। सिर्फ कितने लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है मामला? इसमें 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और 22 लोग लगभग हमने अज्ञात नाम से।